नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ आपने सुना होगा, राजस्थान का एक सैटेलाइट चैनल में एक ऐसा नाम जो आने वाले दिनों में और बड़ा बनने वाला है। उसका स्टूडियो ये देखिए बिल्कुल पीछे, यहाँ से जो एंकर होते हैं ना वो खबरें पढ़ते हैं, हमें दिखाते सुनाते हैं, और मेरे साथ खड़े हैं ये देखिए ये एंकर विक्रम जी। ये नमस्कार विक्रम जी राजपुरोहित, और हमारे एक अन्य साथी दीपक जी। ये देखिए, और ये जहाँ मैं हूँ इसको बोलते हैं PCR। क्यों विक्रम जी? PCR मतलब फुल फॉर्म इसकी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। और ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में देखिए, जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं तो उस टाइप में कुछ होता है ना, ये मशीन सी दो इसके लीवर है, इनसे पूछते हैं सर से। बताएं सर ये क्या है? ये है स्विचर। अच्छा, ऑडियो मिक्सर। ओके, इससे अपन PIP बना सकते हैं कितने भी। अच्छा, वीडियो एडिट करके 3 या 4 कितने भी PIP बना सकते हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं भी होने। ओके, वो सब इसी से स्विच होता है, कितने भी PIP हैं वो सारे इसी से स्विच होते हैं। अच्छा, ये है CG। अच्छा, CG का काम है, जैसे एंकर का नाम हुआ, गेस्ट का नाम हुआ, तो बैंड वगैरह सब कुछ, यानी स्क्रीन पे जो भी हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं वो सारे CG फायर करता है। अच्छा, और ये है पैनल। ओके, मुख्य सोर्स सारी चीजों को एक साथ हैंडल करता है पैनल। पैनल प्रोड्यूसर जो भी सीट पे बैठा होगा वो पूरे PCR को कंट्रोल करेगा एक साथ। ये हो गया पैनल, और ये है ऑडियो। ओके, जो अपन साउंड सुनते हैं वो सारा प्रॉपर यहीं से ऑन एयर होता है। ओके, उसके बाद में ये सारा जो चीज है सैटेलाइट में चला जाता है, फिर वहां से TV देखते हैं लोग, है ना? तो कुछ TV न्यूज चैनल्स जो होते हैं ना, उनकी प्रक्रिया कुछ इस तरह की होती है। आमतौर पर लोगों का कौतूहल होता है कि किस तरह से एंकर जो है वो खबरें पढ़ते हैं, खबरें हम तक पहुंचती है, उसके पीछे पूरी टीम जो है वो काम करती है, और इस तरह से ये सारे जो संसाधन हैं, सारी मशीनें जो हैं, इन पे लगातार 3-3, 4-4 आदमी बैठे रहते हैं, और जब लाइव बुलेटिन होता है तो उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से तस्वीर होती है। तो बहुत सी मेहनत होती है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, और उन मेहनत का नतीजा ये होता है बाद में जो आप तक खबरें पहुंचती है, ताज़ी खबरें पहुंचती है। और आप मेरी गुजारिश रहेगी A1 जो न्यूज़ है इसको अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर राजस्थान के अच्छे अच्छे पत्रकार जो हैं, सच्चे पत्रकार हैं, वो पहुँचने लगे हैं। शुक्रिया।